नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। वक्त के दरवाजे पे एक बड़ी खबर जो है दस्तक दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव होने को है, इसको लेकर के चुनाव आयोग ने अपनी स्थिति भी स्पष्ट कर दी है। ऐसे में राजनीतिक सहमत का जो खेल है वो भी लगातार शुरू हो गया है। ताजा जो खबर आ रही है वो बख्तियारपुर विधानसभा से आ रही है, यानी कि बख्तियारपुर की अगर बात करें तो पूर्व एमएलए ने अनिरुद्ध कुमार है, पूर्व एमएलए है, बख्तियारपुर से है, बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, राजद कोटे से आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि वहां जो है वर्तमान विधायक जो है, जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है और मारपीट भी की है। साथ ही उन्होंने उनपे बहुत सारे जो है आरोप लगाए हैं और वहां का जो पुलिस प्रशासन है उस पर भी आरोप उन्होंने लगाया है और कहा है कि वहां का जो पुलिस प्रशासन है उनकी बातें नहीं सुन रहा है और उनके पक्ष में ही जो है वो काम कर रहा है, यानी कि वर्तमान विधायक जो बीजेपी से के कोटे से है उनके पक्ष में काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि एक सुनियोजित तरीके से हमारे कार्यकर्ता पे हमला की गई और हमारे गाड़ी में जो है बीजेपी के जो अभी जो वर्तमान जो एमएलए है वहां से विधायक है उनके जो गुर्गे जो भेजे गए थे, उनके जो लोग थे, उनके कार्यकर्ता ने तथाकथित हमारे कार्यकर्ताओं पर जो है हमला किया है। इसके बाद जब मैं वहां पहुंचा उसके बाद सुनियोजित तरीके से जो है उन्होंने हम पे भी जो है हमला किया। इसके साथ ही उन्होंने जो अभी के जो वर्तमान विधायक हैं बीजेपी कोटे से है, जो बख्तियारपुर विधानसभा के विधायक है, उन पे उन्होंने जोरदार जो है हमला बोला है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने इस आरोप लगाने के दौरान, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। हमारे सामने है बख्तियारपुर के पूर्व विधायक और राजद नेता अनिरुद्ध कुमार जी। अनिरुद्ध जी, मीडिया में एक खबर चल रही है कि बीजेपी और राजद कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि आपके लोगों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है, आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि दो दिन पहले रोड एक्सीडेंट में रामेश्वर जी की मौत हो गई, उसी सदमा को बर्दाश्त उनकी पत्नी नहीं कर पाई, उनका भी आज देहांत हो गया। इस खबर को मर्माहत होकर हम उनसे उनके प्रशिक्षा करने उनके घर पर जा रहे थे। जैसे ही हम उनके घर के नज़दीक पहुंचे तो मेरा एक कार्यकर्ता फोन किए कि भाजपा के पूरा कार्यकर्ता हमारे गाड़ी में धक्का मार के और हम पर उलझ के हम पर जानलेवा हमला किए। ऐसा सुनने के बाद हमने भी चाह जाके देखे, लेकिन हम वहां पहुंचने भी वाले थे कि 50 कदम पहले भाजपा के तमाम कार्यकर्ता वहां आकर साथ में विधायक भी थे और पूरा गाली गलौज करने लगे। इससे मुझे लगा कि कोई बड़ी घटना हो जाएगी, लेकिन हम चाहेंगे आप बगल से निकल जाए, लेकिन मेरी गाड़ी को घेर ली और मेरे ऊपर भी जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ भीड़ अत्यधिक थी, भीड़ को सराहा नहीं गया, इसके चलते तमाम लोगों से नोकझोंक हुई। उसके बाद अभी पता लगा है उल्टे चोर कोतवाल को डांटे और हमारे ही लोग को फंसाने के निहत से थाना में कुछ लिखा गया है। मैं थाना प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि जो शब्द है वो सत्य होना चाहिए, जो उल्लिख के दिए है उसका जांच होना चाहिए। यदि इस तरह जान बिना जांच हुए यदि FIR दर्ज होता है तो मैं थाना के सामने जरूर धरना प्रदर्शन करूँगा शांतिपूर्ण, ताकि हमारे लोगों को न्याय मिल सके। धन्यवाद। तो वीडियो देख लिया आपने, ये बिहार विधानसभा चुनाव का इसे आप आगाज भी मान सकते हैं, इसलिए क्योंकि जब राजनीति है तो सहमत का जो खेल है वो लगातार चलता ही रहेगा। ऐसे में इस आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर लगातार जारी रहता है। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।